हेलो एंड वेलकम टू फार्मा स्टडी आज हम बात करेंगे सिंपल सा टॉपिक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ये ओरल ही रिहाइड्रेशन सॉल्ट ओ जिसको हम बोलते हैं ओ होता क्या है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ओ आर का कंपोजिशन क्या है इस इसको इन्वेंट किसने किया था इसके जनक कौन हैं ठीक है तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे आ, इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो ओ सबसे पहले बात करते हैं कि ओ आर एस कहाँ पर यूज़ होता है ओ जो है आपका इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द फ्लूड डिप्लीशन ठीक है तो कभी भी बॉडी uh, में जो फ्लूड लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है शॉक ड्यू टू डायरी एंड वॉमिटिंग शॉक मीन्स एक्सेसिव फ्लूड की जो कमी हो जाती है तो पेशेंट शॉक में चला जाता है और बेसिकली ये डायरिया और वॉमिटिंग से एसोसिएटेड होता है डायरिया एंड वामिटिंग की वजह से जो डिहाइड्रेशन हो रहा है फ्लूड का डिप्लीशन हो रहा है डिहाइड्रेशन हो रहा है और अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है तो ओ को दिया जाता है और ओ में होता क्या है ओ में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्राईसोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज ये चार सॉल्टस का कंपोजिशन होता है ओ आर एस में और चारों सॉल्ट्स का अपना है अपना यूज़ होता है तो सोडियम और पोटेशियम आपका इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेनिशर यूज़ होते हैं ट्राइसोडियम सिट्रेट आपका क्या करता है जो एक्सेस फ्लूड लॉस हुआ है बॉडी में तो जो एसिडोसिस हो जाता है बॉडी में उसको प्रिवेंट करता है ट्राइसोडियम सिट्रेट तो एक, आ, जो एसिडोसिस है उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्राईसोडियम सिट्रेट डाला जाता है और ग्लूकोज हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम ठीक है तो मोस्टली पर्सनस uh, क्या सोचते हैं कि ग्लूकोज का यूज होगा एज अ एनर्जी प्रोवाइडर बट यहाँ पर ग्लूकोज क्या करता है सोडियम uh, के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है ठीक है और हेल्प uh, करता है कि सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में फास्ट हो ठीक है नेक्स्ट बात करते कंपोजिशन ऑफ ओ ठीक है तो ओ के दो फॉर्मूला है एट प्रेजेंट ठीक है एक स्टैंडर्ड ओ का फार्मूला है और एक डब्ल्यू एच का फार्मूला है ठीक है तो स्टैंडर्ड फार्मूला ओ भी डब्ल्यू ने पहले दिया था ठीक है और ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला ओ है ये आपका जब कॉलेरा बहुत ज़्यादा फैला था उस टाइम पे ये इन्वेंट हुआ था ठीक है तो इसमें जो सोडियम सॉल्ट का कंसनट्रेशन है थ्री पॉइंट है पोटेशियम सॉल्ट्स वन पॉइंट है ट्राई सोडियम सिट्रेट टू पॉइंट नाइन ग्राम्स हैं एंड ग्लूकोज ट्वेंटी ग्राम्स है तो अब ओल्ड और न्यू को आप कंपेरिजन जब करोगे तो ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस आता है ओल्ड एंड न्यू में ये डिफरेंस आता है कि यहाँ पर सोडियम का कंसनट्रेशन कम हो गया है और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो गया है रेस्ट ऑफ द कंसनट्रेशन इज़ सेम ठीक है तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला ओ आर एस है ये आपका ओल्ड ओ आर एस का फार्मूला है और जो ये डब्ल्यू एच ओ ओ आर एस फार्मूला है ये आपका न्यू ओ आर एस का फार्मूला है ठीक है तो आपको ये याद रखना है कि ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस है ओनली सोडियम सॉल्ट का कंसनट्रेशन इसमें कम किया गया है ग्लूकोज का कंसनट्रेशन कम किया गया है ठीक है और ये कंसनट्रेशन कम क्यों किया गया है ठीक है ये भी आपको पता होना चाहिए अब ये कंसनट्रेशन कम होने का या करने का कारण क्या था जो आपका सोडियम है ठीक है सोडियम का कंसेंट्रेशन अगर बॉडी में ज्यादा होगा दैट विल लीड्स टू अडीमा ठीक है बॉडी में फ्लूड का रिटेंशन करेगा ये ठीक है फ्लूड रिटेंशन करेगा फ्लूड रिटेंशन करेगा और ग्लूकोज जो है सोडियम के एब्जॉर्बशन को इनहेंस करेगा तो इसलिए ग्लूकोज का कंसंट्रेशन को भी कम किया गया है और दूसरा ग्लूकोज uh, का कंसंट्रेशन कम करने का कारण क्या है जो अनएब्जॉर्ब ग्लूकोज है वो एज अ लेग्जक्टिव यूज़ होता है लेग्जेक्टिव यूज़ होता है ठीक है तो अनएब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज जो है वो uh, जो बाउल का जो मूवमेंट है उसको फास्ट कर देगा ठीक है तो ऑलरेडी पर्सन को डायरिया है तो ये डायरिए uh, uh, वाली कंडीशन को एक uh, uh, एक तरह से स्टार्ट uh, कर देगा ठीक है तो इसलिए इसको सोडियम का कंसंट्रेशन और ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है न्यू डब्ल्यू एच ओ फार्मूला में कम किया गया और नेक्स्ट आपको एक आ, ये कारण भी पता होना चाहिए कि ओ आर एस का न्यू एंड ओल्ड फार्मूला क्यों लेकर के आए जो पहले जो पुराना जो फार्मूला था ओ आर एस का वो ओ आर एस दिया जाता था डायरिया एसोसिएटेड सॉरी कोलरा एसोसिएटेड डायरिया में कॉले से एसोसिएटेड जो डायरिया होता था उसमें दिया जाता था और उस केस में जो आ, ये होता है आपका फ्लूड लॉस फ्लूड लॉस में सोडियम का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता था ठीक है तो इसलिए सोडियम और ग्लूकोज के कंसनट्रेशन को ज़्यादा रखा गया था अब yeah. प्रेजेंटली जो डायरिया एसोसिएट होता है वो डायरिया एसोसिएट होता है रोटा वायरस से और रोटा वायरस से जो डायरिया एसोसिएट रहता है उसमें जो है आपका सोडियम लॉस नहीं होता है कम होता है ठीक है तो इसलिए सोडियम के कंसंट्रेशन और ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को कम किया गया है ठीक है तो प्रेजेंटली जो रोटा वायरस से एसोसिएटेड है डायरिया और रोटा वायरस की वजह से जो डायरिया एसोसिएट होता है उसमें सोडियम लॉस कम होता है ठीक है तो इसलिए सोडियम और ग्लूकोज दोनों के आ, कंसंट्रेशन को जो है न्यू डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच ओ फार्मूला जो है ओ आर एस का उसमें कम रखा गया है नेक्स्ट फादर ऑफ ओ आर एस आपको पता होना चाहिए डॉक्टर दिलीप महलाना ये कोलकाता से हैं आ, मतलब है क्या मतलब अब अनफॉर्चुनेट मतलब इनका लास्ट ईयर में भी इन ये एक्सपायर कर गए थे तो ये डॉक्टर दिलीप महापात्रा महलाना को आ, फादर ऑफ ओ आर एस बोला जाता है अब क्यों बोला जाता है आ, अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नाइनटीन सेवेंटी वार जो नाइनटीन सेवेंटी वन वार जो हुआ था जिसमें हम बोल सकते हैं बांग्लादेश लिब्रेशन वॉर उस टाइम पे बहुत सारे माइग्रेंट पीपल जो है वो इंडिया में शिफ्ट हुए थे कोलेरा केसेस उस टाइम बहुत ज़्यादा थे और कोलकाता के सराउंडिंग एरिया जो थे वेस्ट बंगाल के जो सराउंडिंग एरिया थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं माइग्रेशन हुआ लोगों का पीपल फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया ठीक है उस टाइम पे क्या हुआ कोलेरा के केसेस बहुत ज़्यादा थे और जो डायरिया जो था एसोसिएटेड विद कोलेरा बहुत ज़्यादा था और आ, उस टाइम पे फ्लूड्स की बहुत कमी थी जो पेरेंट्रल फ्लूड्स है उसकी कमी होगी थी प्लस आ, जो फ्लूड को एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले सपोर्टिंग स्टाफ थे उनकी भी कमी थी तो उस टाइम पे डॉक्टर दलीप महा नबिस ने आ, ये देखा कि अगर हम सफिशेंट कम्पोजिशन करके सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज और उन्होंने उस टाइम पे यूज़ किया था सोडियम बाइकार्बोनेट या कुछ सोडियम कार्बोनेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा बट ये सॉल्ट यूज़ किया था ठीक है तो इस, इसका कंपोजिशन उन्होंने बहुत सारे पीपल्स को पिलाया और बहुत सारे लोग वहाँ से रिकवर करने स्टार्ट हुए ठीक है तो लेटर ऑन डब्ल्यू एच ओ ने इसको रिकमेंड किया ठीक है और ये बोला कि जो ओ आर एस है ओ आर एस जो है डायरिया और वॉमिटिंग के केस में जो डिहाइड्रेशन हो जाती है फ्लूड डिप्लीशन हो जाता है उसको बहुत अच्छा सोर्स है रिप्लेनिश करने का ठीक है तो इसके ओ के कुछ ब्रांड नेम्स देख लेते हैं हम uh, ओ के ब्रांड नेम्स क्या हैं बायोलाइट ठीक है ब्रांड्स कोस ठीक है डैक् जेड इलेक्ट्रोबाइन इलेक्ट्रोसिप जेनीलिट मैक्स मैक्सिप ओरैक्ल ओ आर एस एल एंड रिलाइट ठीक है ये कुछ ब्रांड नेम्स हैं जो मैंने uh, निकाले हैं ठीक है और आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है वर्ल्ड ओ आर एस डे हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं हम सेलिब्रेट करते हैं ट्वेंटी नाइन जुलाई एवरी ईयर ठीक है तो ये आ, मेरा छोटा सा वीडियो था अबाउट ओ आर एस आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर्मर स्टडी थैंक यू